कारगिल हुआ तो फॉर्मली जो इंटीमेशन आई थी उसकी ब्रीफिंग दी गई मियाँ साहब को एज़ प्राइम मिनिस्टर एक फॉर्मली 17 मई नाइनटीन नाइन्टी नाइन ने दी थी लेकिन उससे पहले आ, आ, वो आ, इंडिया से आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी एंड देर वॉज रियलाइजेशन समथिंग इज़ हैपनिंग कुछ हो रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल में इसका मतलब ये है कि जब वाजपाई लाहौर आए थे उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ को इल्म नहीं था नॉट एट ऑल वाजपाई साहब आए थे कोई बीस इक्कीस फेबररी को और वो बड़ा अच्छा माहौल था और वाघा बॉर्डर में हमने रिसीव किया प्राइम मिनिस्टर थे और फिर हम उनको हेलीकॉप्टर में गवर्नर हाउस लेके आए जहां उनका इस्तकबाल जो सर्विस चीफ्स ने किया आर्मी चीफ जनरल मुशरफ और जो एयर और नेवल चीफ थे उन्होंने बकायदा सलूट भी किया ये बात कही जाती है कि जनवरी में एक ब्रीफिंग दी गई थी और नवाज शरीफ को बताया गया था कि कारगिल होने जा रहा है जनवरी में तो कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं थी मैं था उसमें और वो तो वैसे जनरल ब्रीफिंग थी सिक्योरिटी के ऊपर आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे हुकूमत हुतोक्स मैन थे उस वक्त इनिशियली आई एस पी आर की तरफ से ये कहा जाता रहा कि वहाँ पे कश्मीरी मुजाहिदीन हैं आपको ये कब पता चला कि वहाँ पर फौज है ये मामला पब्लिक हो गया तो फिर मुझे कहा गया कि आप ब्रीफिंग दें क्योंकि मैं तर्जमान हुकूमत का तो मैंने कहा कि मैं ब्रीफिंग अकेले नहीं दूंगा मेरे राइट पे बैठेगा डी जी आई एस पी आर ब्रिगेडियर राशिद कुरैशी और मेरे लेफ्ट पे बैठेगा फॉरेन ऑफिस का, का स्पोक्समैन उस वक्त फिर मुझे इन्होंने बताया डी जी आई एस पी आर ने कि सर आपको मालूम है कि ये जो हैं <laughs> सिलसिला ये आ, हमारे बंदे हैं उस वक्त मुझे मालूम हुआ यानी कि फौज है हमारी फौज है वहाँ पर नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी NLA. और ये आ, आपने बताया ये मे था अगेन हाँ सेकेंड हाफ ऑफ मे लास्ट वीक ऑफ मे लें तो उसको मालूम हुआ कि ये हमारे uh, रेगुलर्स हैं तो कैसा महसूस हुआ गवर्नमेंट का पाकिस्तान के एक फेस और होने की हैसियत से वो बहुत मुश्किल मरला था बल्कि मैंने तो ये कहा भी उस वक़्त कि हमें बात सच करनी चाहिए कि ये बात है कि हिंदुस्तान ने भी लाइन ऑफ कंट्रोल जो वायलेशन की थी 1984 में सियाचिन की तो अगर हम कर रहे हैं तो उसमें हम कह सकते हैं कि ये फैक्ट्स है और मसला हल करें लेकिन आपको दिक्कत महसूस हुई आपको मुश्किल लगा उस वक्त एक चीज़ जिसका खुद आपको उस वक्त पता चल उसको रहा है करें, बहुत मुश्किल, था फिर हमने कैबिनेट मीटिंग भी हमारी हुई हमने कहा थर्ड जून को ही थी उसमें भी बात हुई गवर्नमेंट सर्कल से जब प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी गई मई में, में और पता चला तो क्या उस वक़्त माहौल और रिएक्शन और तासुर क्या था शौक का था और हैरानगी का था और उसमें मेरा ख्याल में वो एक वो जो एक सिस्टम के अंदर एक तकसीम आनी शुरू हो गई थी कि ये तो पता नहीं कैसे कर लिया इतनी बड़ी चीज़ कि एक आ, मतलब है कि हम एक तरफ वाजपेयी साहब को वेलकम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम जंग की तरफ जा रहे हैं तकरीबन और बल्कि मुझे याद है डिफेंस सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग दी थी कैबिनेट को जनरल इफ्तार अली खान तो उन्होंने कहा था कि ये बड़ा गलत हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था आप प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब थे उन दिनों प्राइम मिनिस्टर ने आपसे कुछ शेयर किया कि उनको कैसा महसूस हुआ वक्त भी था और एक मायूसी भी थी कि एक हम एक डगर पर जा रहे थे मुजाकर के एक, एक प्रोसेस शुरू हुआ था और हिंदुस्तान का वज़ी अज़म आपके मुल्क ख़ुद चल के आया और एक नई सिचुएशन न्यूक्लियर पावर्स थे तो उसके बाद सडनली ये हम एक नए बड़े इतने बड़े भूरान में फंस गए हैं जिसका नतज हम कंट्रोल नहीं कर सकते दबाव कितना था दबाव तो इंटरनेशनल था बेसिकली हमारे नर्व्स वर स्ट्रॉन्ग वी वर न्यूक्लियर पावर हमें पता था और हमें पता था कि क्या रेड लाइन्स हैं कि हिंदुस्तान वो रेड लाइन्स क्रॉस नहीं करेगा ये कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी क्या ऐसी बात हुई कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको मोबिलाइज किया जाए नो नॉट एट ऑल एब्सोल्युटली नॉट नॉट न्यूक्लियर फैक्टर डिड कम इनटू प्ले या किसी ने सोचा भी उसका हो कि ये पहले तो बात है कि अभी तो जंग ही नहीं शुरू हुई थी अभी तो स्कर्मिशेज हो रही थी क्लैश uh, हो रहे थे बॉर्डर पर तो uh, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग तो कोई नहीं थी तो न्यूक्लियर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी भी सिचुएशन में सोचा जाए और ये बात दोनों तरफ से थी जुलाई 1999 में नवाज शरीफ जो हैं वो यूएस गए अमेरिका जाने से पहले उनकी अपनी कैबिनेट के साथ कोई मुशावरत हुई नहीं मुझे सिर्फ इंटीमेशन आई मैं उस वक्त जब वो जा रहे थे मैं उस वक्त अपने फैमिली के साथ नथिया गली में था समझा जाता बहुत एब्रप्टली सब कुछ हो गया और वो अचानक से चले गए तैयारी हो रही थी और अगर आपको याद होगा कि उससे पहले भी आ, जी एच क्यू का द दमेरिकन्स ये उनकी आशीर्वाद के साथ गए थे जनरल मुशरफ उनको सी ऑफ करने आए नवाज शरीफ यहाँ से गए तो क्या कुछ बातें ऐसी थी जो तय की गई थी कि जो जाके उन्हें करनी थी पाकिस्तान की बिहाफ पे और नहीं, नहीं, नहीं की गई वो उस लेवल पर हुई होंगी उनकी आर्मी चीफ के साथ जो मुलाकात थी क्योंकि बेसिकली इट अ मिलिट्री इशू और अब ये इशू था कि चूंकि अब आई बॉ टू आई बॉल कॉन्फ्रेंटेशन का ख़तरा था तो उनके आपस में मुशावरत जो भी हुई उस लेवल पर हुई मुशरफ ये कहते हैं कि एक बहुत ही जीती हुई किस्म की जंग या सिचुएशन थी लेकिन सियासी क्यादत की कमज़ोरी की वजह से वो शिकस्त में तब्दील हो गई मैं ऐसे जमशन से एग्री नहीं करता बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारा कारगिल में हमने वही गलती की जो उन्नीस सौ पैंसठ में हमने गलती की थी कि इंस्टीट्यूशनलाइज डिसीशन मेकिंग हमारे यहाँ नहीं है के इदारती फैसला करना मशावरत के साथ और फिर इतफा राय होता है फिर आगे लेके चलते हैं सिक्सटी फाइव वॉर में भी ट्वेल्व डिवीज़न है मरी में चार पाँच लोग थे उधर ऐब खान साहब थे और वही इधर भी हुआ तीन चार लोग थे फैसला कर लिया और एजम्शन भी वही थी सिक्सटी फाइव वॉर की जो एजम्शन थी वो आपने नाइनटीन नाइन्टी नाइन में वही दोहराई कि हम जो मर्ज़ी करेंगे हिंदुस्तान उसका रिएक्शन उस तरह नहीं होगा आपको लगता है कि जो कश्मीर पे पाकिस्तान का स्टांस था उसे नुकसान पहुंचा यस yes, कश्मीर को मुंसलिक हो गया दहशत गर्दी के साथ आ, हिंदुस्तान आ, ने अमेरिका से कुर्बत बना ली और अमेरिका की टिल्ट होगी टवर्ड्स इंडिया वो टिल्ट वहाँ से शुरू होती कारगिल से और इधर अपने सबसे बड़ी बात है वॉट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग लॉस ऑफ लाइव्स हमारा बड़ा नुकसान हुआ जानी नुकसान हुआ हमने केटर नहीं किया था जो लोग ऊपर बैठे थे सप्लाइज नहीं पहुँचा सके थे हमारा ख्याल ही नहीं था इंडिया तो बोफर्स गन लेके आ गया एयरफोर्स लेके आ गया उनका ख्याल था कि थोड़े से होगा तो ये तो बड़ी फ्लॉड एजम्प थी किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी मुझे एक फ़ौजी मिला सीनियर बंदा हो सत्रह मई की ब्रीफिंग के बाद मैंने कहा क्या असेसमेंट है क्या हो रहा है कहते सर या कोर्ट मार्शल होगा या मार्शल लॉ होगा तीन चार लोग जनरल्स जिन्होंने कारगिल किया था क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी हुई कोई अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं होती जो हुकूमत में है अकाउंटेबिलिटी सिर्फ लावारसों की होती है मजलूमों की होती है या मुखालफिन की होती है आजकल तो लोग कहते हैं काफ़ी है। वो सियासतदान जो हिजब इख्तलाफ में है क्यों नहीं हो सकती है अकाउंटेबिलिटी हमारे दोगले मे हैं और हम खौफा हैं टॉप लेवलो तो इतना जो खामोशी से खुफिया फैसले होते हैं हम तो अपनी से डरते हैं। इतने जाने जाया हुई इसमें इंटरनेशनल जिसमें मुल्क का भी नुकसान हुआ लेकिन रिस्पांसिबिलिटी फिक्स नहीं हुई भी नहीं फिक्सदानों का था मतलब प्राइम मिनिस्टर को अगर ब्रीफिंग भी दो तीन महीनों के बाद मिल रही थी तो आ, क्या ये उन पे ओनेस नहीं था कि वो कमीशन बनाते उनका इरादा बन रहा था लेकिन वो उससे पहले ही मामला थे लेकिन ये मैं समझता तो होना चाहिए था यस क्योंकि आफ्टर ऑल एक जो भी है इन द ड्राइविंग सीट वो ऐसे फैसले होने चाहिए बर वक्त इंडिया दावा करता है कि कारगिल में पाकिस्तान के जो फौजी मारे गए थे पाकिस्तान ने उनकी लाशें लेने से भी इनकार कर दिया था लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात है कि हमने लाशें लेने से इनकार कर ली जब मामला ओपन आ गया था जब हमें हमने खुद एक एग्री साइन हो गया था वो वाशिंगटन डिक्लेरेशन भी आ, चार जुलाई को तो विड्रॉल के ऊपर तो फिर तो जाहिर था कि हमने हमारी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार थी तो जो हमारे असासे थे चाहे ह्यूमन या दूसरे तो वो हमने वापस लिए कितने लोग मारे गए थे आई डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर्स लेकिन मैंने कुछ आ, 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 फौजी अफसरान को मिला था उस वक़्त और मैं देखा था कि वो कुछ ये भी था कि ये विड्रॉल के ऊपर नाराजगी थी विड्रॉल पे तो बाद में काफ़ी खफकी थोड़ी सी रही कि नहीं पूछा है बताया नहीं गया अपेरेंटली लगता ऐसा है कि फौज कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद नवाज शरीफ वहाँ जाएंगे तो कुछ और बात करेंगे मैं ख़र लेकिन वो जिस तरीके से वो विड्रॉल में भी काफ़ी कैजुलटीज़ हुई थी क्योंकि वो हाइट से आ रहे थे और कई जगह दबे वो सिटिंग डॉक्ट उसका एक रिएक्शन हुआ था अमंग द मिडल एंड सीनियर एशल्स जो थी थी एक लीक की गई थी, इंडियन्स की गई इंडियंस तरफ से और जिसके अंदर कुछ ऐसी बातें हुई कि एयर चीफ और नेवल चीफ को भी नहीं पता था कि कारगिल हो वो तो फौज के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं थी एक तो फौज के अंदर सिर्फ चार लोगों को या पांच लोगों को मालूम था सीनियर लेवल पर बाकी कोर कमांडर्स को नहीं मालूम था फिर आर्म फोर्सेस जिसके तीन शाखे हैं बरी बहरी और फिजाई बरी फौज के कमांडर्स और चार लोगों के अलावा फ़िज़ाई और नेवी वाले को तो मालूम ही नहीं था तो ये बात क्या दुरुस्त है कि नेवल चीफ ने और एयरफोर्स चीफ ने प्राइम मिनिस्टर से यह शिकवा किया था कि उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया इसकी प्लानिंग में कारगिल की उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया था क्या इस राय से मुतफिक हैं कि कारगिल जो है वो पाकिस्तान की फौज और सियासी जो क्यादत है उसके दरमियान रबतों की कमी बल्कि एक तरह से ताकत की जो रस्ाकशी है उसकी एक बदतरीन मिसाल है बाद में बन गई जब कारगिल शुरू हुआ तो उस वक्त कोई ऐसी रसाकशी नहीं थी कोई ऐसी रसाकशी नहीं थी बल्कि बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन थी तो फिर क्या पाई के पाकिस्तान आने से फौज नाराज हो गई थी उनके आने से दो दिन दिन पहले एक बहुत बड़ी लीड स्टोरी आई एक उर्दू अखबार में कि फौज ने उनको रिसीव करने से इनकार कर दिया तो ये किस सोर्स से आई कहाँ से आई क्यों आई वो मेरे ख्याल में उसका पता नहीं चला आपका एनालिसिस क्या कहते हैं मेरा एनालिसिस कहता है कि कुछ लोग शायद खुश नहीं थे हालांकि अजीब सी बात है कि आजकल तो हम मिनते करते हैं मोदी साहब के कि आप हमसे बात करें आने की तो बहुत दूर की बात है चाहे वो शरारत थी चाहे किसी ने खबर दी वो उससे मेरे ख्याल में एक ये एक ये गया कि फ़ौज शायद या कुछ अनासर फ़ौज में खुश नहीं है और हो सकता है ये उन्हीं लोगों से हुई हो जो कारगिल के अंदर मुंसलिक थे अक्टूबर 1999 में कू हुआ जो क्या आप ये समझते हैं कि कारगिल से जो फौज और पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान तनाव शुरू हुआ था ये उसका नतीजा था बारह अक्टूबर कारगिल का नतीजा था जो उस अफसर ने कहा था ना कि या कोर्ट मार्शल होगा या मार्शल होगा वो इस किस्म की सिचुएशन अगर आई थिंक वो इकट्ठे भी शायद उम्र के लिए भी इकट्ठे गए थे सारे आर्मी चीफ भी और प्राइम मिनिस्टर भी उस वक्त लेकिन एक खलीज आ चुकी थी लेकिन अगर मियाँ साहब उस वक्त फौज को अतमाद में ले लेते ले तो शायद कुछ हालात तो हलात तो कोई, कोई खुफिया माह तो हो नहीं रहा था इन्विटेशन टू वाजपाई वॉज मामूल की कोई ऐसी चीज़ थी कोई ऐसी सरेंडर नहीं था कोई सेल आउट नहीं था वो तो एक नेबरिंग कंट्री के जा रहे और हम एक पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे थे वो हमारे पास चल के आ रहा है कारगिल के बाद मुशर्रफ़ की और नवाज शरीफ की पर्सनल केमिस्ट्री कैसी थी जहारे एक था, जरा वो एक खलीज तो आई हुई थी क्या समझते हैं कारगिल का इस जो रीजन है उस पर क्या इम्पेक्ट रहा और पाकिस्तान पे क्या उसका असर कारगिल का ये था कि डिप्लोमेटिक हवाले से एक तो हमारी क्रेडिबिलिटी के हवाले से एक कश्मीर के हवाले से और एक पाकिस्तान अमेरिकन ताल्लान के हवाले से कि जो अमेरिकन टिल्ट है वो हिंदुस्तान की तरफ चला गया इंटरनली इंटरनली तो फिर वो यही हुआ ना कि जो डिफरेंसेस थे वो बढ़ गए लेकिन उसके बाद मेन था नेशनल सिक्योरिटी जो डिसीशन मेकिंग है हमें चाहिए था लेसन शुड है बीन लर्नड और ताकि सिविल और मिलिट्री क्यादत ऑन नेशनल इश्यूज शुड बी ऑन द सेम पेज और उसकी ज़रूरत अब भी है उस वक्त भी थी और हमेशा रहेगी